सागर जय जिनेन्द्र, और आप किसी कोई प्रश्न हो तो वो अपने हैंड्स को रेस कर सकते हैं, हम वो प्रश्न लेने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाला सेशन भी बहुत अच्छा था, आज का भी बहुत अच्छा था। अब आपने जैसा समझाया नियम लो, तो नियम लेने की तो पूरी इच्छा है, पर उसमें फिर कोई भूल चूक गलती तो होती है, तो उसके क्या डबल दोषारोपण होते हैं? नहीं, उसकी देखिए प्रत्याख्यान लेंगे हम, हाँ। तो उसमें कोई ना कोई अतिचार लग सकते हैं, उसमें अच्छा। कोई ना कोई मिस्टेक्स हो सकती है, तो उसका वापस प्रायश्चित ले, बस उसको लिख के रख। फॉर एग्जाम्पल मेरे रात्रि भोजन का त्याग है ना, और कभी एग्जाम्पल मेरे बाय मिस्टेक कुछ खाने में आ जाता है, फिर एकदम से याद आता है अरे मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग था, तो बस वो मिस्टेक को लिख के रख लीजिए और उसका फिर प्रायश्चित, उसकी शुद्धि कर ले। उसको कोई गुरु के पास जाके उसको बता दे कि मेरे से ऐसी मिस्टेक हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मिस्टेक करें तो हम नियम ही नहीं है, है ना। लोग ये डर से भी करते नहीं, अरे मेरे टूट जाएंगे, मेरे से ये हो जाएंगे, अगर जानते पूछते हुए तोड़ रहे हो तो वो गलत है। कोई एकदम ही मारणांतिक स्थिति आ गई और आपको कुछ काम आवश्यक रूप से करना पड़ा, तो उसका प्रायश्चित लेके उसकी शुद्धि कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज है, बाकी आप पालिए, आप नियम लिए, वो डर नहीं रखें कि अरे कुछ उसमें दोष लग रहे हैं। दोष तो लगेंगे क्योंकि हम मिस्टेक्स करते ही रहते हैं, हमारे मिस्टेक्स होते ही, हम सब चीज इतनी दृढ़ता ही नहीं, वो पहले का जमाना नहीं है कि हम एकदम दृढ़ता से नियम पाल लें, तो उसके लिए प्रतिक्रमण, उसके लिए प्रायश्चित, उसके लिए आलोचना, वो सारी चीजें भगवान ने रखी हुई है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये जो समझा है उसके बाबत ही। हाँ फरमाइए। ये क्वेश्चन ये है, जो आपने ये समझाया ना, इसमें सेकंड नंबर का था जो अस्त्र शस्त्र के लिए, जी जी जी, तो उसके अंदर आपने समझाया कि एक कंट्री या एक जगह ऐसी है जहाँ सोलोमन इजलैंड, उस जगह जैसे उनको पेड़ काटना है तो चारों तरफ वहां के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसके लिए बोलते हैं ये पेड़ बहुत गंदा है, ये बहुत खराब है, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। चार पांच छह दिन उन्होंने बोला, फिर 10-12 दिन बाद या 15-20 दिन बाद वो पेड़ अपने आप टूट के गिर जाता है, तो ये समझ में तो आ गया। पर इसमें उस पेड़ को कितनी मतलब प्रॉब्लम हुई, कितना दुख हुआ, कितना अंदर के अंदर उसको तो त्रास दी हुई है ना। एक तो कोई एक ही दम काटता, एक 10-15-20 दिन तक उसको कितनी तकलीफ हुई, तो इसका मतलब क्या? ये क्वेश्चन मेरे 2 दिन तक दिमाग में चलता रहा। नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है इस चीज में कि उनको पीड़ा हो रही है, बराबर है। उनके जब चारों तरफ लोग बाग इकट्ठे हो गए और उस पेड़ के लिए इतना बोल रहे हैं ये पेड़ बहुत गंदा है, इसके पत्ते गंदे हैं, इसकी हवा अच्छी नहीं है, ये दिखने में भी अच्छा। आपने उस दिन बताया कि भाई वो जगह ऐसी है वहां पे सब इकट्ठा होके इतना बोलते हैं कि बाद में 20-25 दिन बाद या 15-20 दिन बाद पेड़ अपने आप टूट के गिर जाता है, कि वो एकदम से मतलब उस पर उनको उनको दुख हो रहा है और वो ज्यादा टाइम तक पीड़ा दे के वो पेड़ मर रहा है। एक तो हो गया कि एकदम, एक तो इंस्टेंट किसी की मृत्यु हो गई, और एक कोई कैंसर का रोगी है उसको कितने टाइम तक दुख भोगना पड़ता है, तो बस वही है। यहाँ पे भी पीड़ा तो पेड़ को गुजरनी पड़ती, पीड़ा दुख दर्द उसको पूरी, जो के जो इमोशंस हमें होते हैं वो के वो इमोशंस वो भी फील करते हैं, वो भी दुख सहन करते हैं उतना। पेड़ पूरे दिन गर्मी में वो गलत ही है ना, वो जो भी कर रहे हैं तो गलत ही है ना। हाँ गलत ही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं 100%, उसमें कोई सही चीज नहीं बता रहा था मैं, गलत ही चीज कर रहे हैं, पर मैं उनको ये बता रहा था कि वहां पे सिर्फ हाँ कि वर्ड्स, हमारी वाणी भी किसी को कितना कष्ट पहुंचा सकती है, वहां पे ये समझाने का प्रयास था। नहीं, वो समझ में आ गया, इस चीज से इतना सीखने को मिला कि आज कोई बेजान कुछ भी हो, मतलब जीव उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती, सीखने को मिला। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिमाग में फीड हो गया। थैंक यू। हाँ जी, इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न? और पहले किसी ने हैंड रेस किया हुआ था, कनक हुआ आपके कोई क्वेश्चन था? मेरे ख्याल से आपने हैंड रेस किया था वो टाइम, आप हैं साथ में, कोई प्रश्न और किसी का? याद प्रश्न पूछने रह गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे
तब हम क्वेश्चन उसके पूछ लेंगे लोग लेफ्ट, तो अपन नेक्स्ट उसमें पूछ लेंगे। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से किसी का और कोई प्रश्न नहीं है, तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। और कभी कभी आवेश में, कभी कभी सेशन के फ्लो में, कभी जिन शासन के विरुद्ध अगर मेरे से कुछ बोलने में आ गया हो, अगर शास्त्र की वाणी में कहीं मैंने भूल चुप कर दी हो, आगम के विरुद्ध कुछ गाथाएं बोलने में आ गई हो, तो उसके लिए बारंबार बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग सब बने रहे हैं, आप लोग सब जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सो धन्यवाद, हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे 8:45 PM। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।